कन्नौज में पुलिस की कार्यवाही से परेशान महिला बच्चों सहित पहुंची डीएम की चौखट पर, प्रार्थना पत्र देकर मांगा इंसाफ। न्याय न मिलने पर बच्चों सहित आत्महत्या करने की पीड़िता ने कही बात। पीड़ित महिला ने पुलिस पर लगाए पति को आए दिन झूठे मुकदमों में फंसाने के आरोप। कन्नौज सदर कोतवाली के गांव साधिकापुर की रहने वाली बताई जा रही है पीड़ित। पुलिस घर से पकड़ ले जाती है और कुछ ना कुछ मतलब लगाई देते हैं, कहूँ तमंचा को उतारो और इसी वजह से कुल मुकदमा कर दे। एक एक दाम तो दो तीन तीन मुकदमा लगाई देते हैं, अब कुल मुकदमा हो गई। इसी वजह से कह रहे कि हम तुम्हारो घर सील कर दी। हमारे तीन बिटियाँ, एक लड़का, चार बच्चा छोटे छोटे, हम कहाँ ले गए न जाए। अब मरे के सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं, हम आत्महत्या कर लें अपने बच्चों को दबा कबा के मारे हम मर गए। के पास हम दे सुबह हमने शिकायत करी है कुछ। पति क्या काम करते हैं? हम लोग दूसरों की खेती में मजदूरी करते हैं सब। हमारे पास किस गांव के रहने वाले हैं? किस गांव के रहने वाले? हम सतिकापुर के रहने वाले हैं। क्या नाम है? अंजलि। अब हमारे अगर करना छोटो तो हमारे मरवे के सिवा कुछ है ही ना हमारे पास। कन्नौज से राजेंद्र कश्यप की रिपोर्ट।